बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन सिरके वाला चिकन पकोड़ा। ठीक है जी, सबसे पहले चीज़ें नोट कर लें, इसमें क्या क्या यूज़ होगा। चिकन हमने 1 किलो ली है, उसको वॉश कर लिया है और बड़े पीस जो थे उनमें इसे कट लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने लाल मिर्चों का पाउडर वो 1 चम्मच लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच लिया है, नमक हसबे जायका है और ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच है, हल्दी पाउडर आधी चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है और ये लहसुन ड्राई लहसुन है वो भी आधी चम्मच ली है, और इसके अलावा काली मिर्च पाउडर है वो भी आधी चम्मच है, और सिरका हमने 1 कप लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन लिया है, बाउल में चिकन डाल लिया, उसमें सबसे पहले हम मसाले डालेंगे। तमाम मसाले ऐड कर देंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर वो डालेंगे, नमक वो डालेंगे और लास्ट में सिरका डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन हड्डी वाली यूज़ की है, बग़ैर हड्डी के भी यूज़ किए, दोनों मिक्स किए हैं। जो आम रेगुलर घर में यूज़ होता है चिकन वही हमने किया है, कोई स्पेशल नहीं इसके लिए लिया, आप जैसा चाहें इस यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करके हम आधा घंटे के लिए रख देंगे, आप चाहें तो फ़ौरन भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है, इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। जी हमारी चिकन को आधा घंटा मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको पकाएंगे। जी मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें अब हम चिकन डालेंगे और इसको पकाएंगे। जी हमने चिकन को इतना बना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए, सिरका और पानी, और इसका मसाला भी थोड़ा सा पक जाए। सिर्फ 5 से 7 मिनट पकाना है हमने। जी फ्रेंड्स, हमारा चिकन रेडी हो गया है, बस इसमें हल्का हल्का पानी है वो भी हम ड्राई करेंगे, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे और फिर नेक्स्ट इसका बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सिरके की वजह से, और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। फ्रेंड्स हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब हम इसे बोल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जी फ्रेंड, मैंने बोल में चिकन निकाल लिया और ठंडा कर लिया इसको, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। जी हमने 1 कप बेसन लेना है, उसके अलावा हमने नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये हमने 1/2 टीस्पून सारी चीज़ें लेनी है। नमक आप हसबे जायका यूज़ करें। अब हमने एक बोल में बेसन डाल लेना है, उसमें ये सारे मसाले डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। आपने मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है बेसन में, इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने इस लिक्विड का बनाना है, इतना हो पतला बेसन,
ज़्यादा थिक नहीं बनाना, क्योंकि जब ये हम चिकन पकौड़ा फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा ये खुश्क हो जाएगा, इसलिए बेहतर है इसको थोड़ा सा पतला रखें। उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी इतना होना चाहिए पतला। अब हम चिकन के पीस इसके अंदर डिप कर देंगे, बेसन के अंदर। आप चाहें फ्रेंड तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिरके में बनी हुई है, बिल्कुल तैयार चिकन है। आप ऐसे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग चिकन पकौड़ा बना रहे हैं इसलिए हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसे पहले थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। जी हमने बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना और ना ही इसको ठंडा रखना है, मीडियम हो, नॉर्मल हो, फिर हमने इसके अंदर चिकन डालनी है। केयरफुली आपने चिकन डालनी है। हमने इसे डालना है और 2 मिनट बाद ही हमने इसे 2 मिनट से भी पहले निकाल लेना है, क्योंकि हमारी चिकन रेडी है। हमने सिर्फ इसको हल्का सा सिर्फ बना फ्राई करना है। हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त चिकन, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। जी फ्रेंड्स, हमारा चिकन पकोड़ा, सिरके वाला चिकन पकोड़ा रेडी है। बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको, कैसी रेसिपी लगी। ईद के लिए मैंने आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।